यूएन की बैठक में चीन ने की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। भारत ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया तब चीनी विदेश मंत्री ने माइक ही बंद कर डाला। अमेरिकी राजदूत ने कह डाली भारत के संदर्भ में बड़ी बात। अमेरिका चीन के खिलाफ उठा सकता है बड़ा एक्शन। उत्तर कोरिया का संयुक्त राष्ट्र से कटने वाला है टिकट। तानाशाह किम जोंग की करतूतों पर प्रतिबंध लगाने को सामने आए अमेरिका और यूरोपीय संघ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चीन की वो साजिश बताने वाले हैं जिसे जान के आप चौंक उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने यूएन की बैठक में कुछ ऐसा कर डाला है कि पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ बोलना चालू कर चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के लिए वह LAC पे तो अपने मंसूबे ला ही रहा है, साथ ही अब वो यूएन में भी भारत के खिलाफ कई ऐसे करतूत कर रहा है जिससे और यह बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत को किस कदर हराना चाहता है। वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी राजदूत ने भारत के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है जिससे जिनपिंग सो नहीं पा रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राजदूत ने कुछ ऐसा कह डाला है कि चीन की नींद रातों रात उड़ गई है। वहीं भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, वहीं आपको बताने वाले हैं कि उत्तर कोरिया पे अब संयुक्त राष्ट्र में रहने पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अब किम जोंग के तानाशाही को दुनिया बर्दाश्त नहीं करने वाली। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कुछ ऐसा कह डाला है कि किम जोंग की सांसें वहीं अटकी रह जाएंगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थान से उसका पत्ता भी कट सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। LAC के बाद अब यूएन में चीन की साजिश। भारत के खिलाफ चीनी विदेश मंत्री ने कर डाला यूएन में कांड। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है जिसे चीन की साजिश बताया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की दूसरी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में जब चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया तभी माइक बंद हो गया। भानाइक प्रियंका सोहोनी बैठक के दौरान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और उसकी प्रमुख परियोजना CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की आलोचना कर रही थी। जब उन्होंने इस विवादास्पद परियोजनाओं पर नई दिल्ली की आपत्ति को लेकर बोलना शुरू किया तभी उनका माइक बंद हो गया। दोस्तों, इसे चीन की कायराना करतूत इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वही इस बैठक को होस्ट कर रहा था। बैठक का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर के बीच हुआ है। बाद में माइक ठीक होने में कई मिनट का समय भी लग गया। इतने में ही एक दूसरे स्पीकर का वीडियो चलने लगा। फिर इस वीडियो को बीच में रोकते हुए संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल लियू झेनमिन ने भारतीय राजदूत प्रियंका सोहोनी से अपनी स्पीच जारी रखने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लियू चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री हैं। माइक ठीक होने के बाद लियू ने सबसे माफी मांगी, तकनीकी कारणों को बताया और सोहोनी से कहा, आप लक्की हैं, वेलकम बैक। दोस्तों, अब आप खुद ही समझ जाइए कि चीन इन चालों को क्यों करना चाहता है, क्योंकि वह LAC पर समझता है कि भारतीय सैनिकों से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, वह माइंड गेम्स भी खेल रहा है। दोस्तों, अब आपको अगली कहानी बताते हैं। चीन पर भारतीय राजनयिक ने इस पर क्या कहा है ये भी जान लीजिए। भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहोनी ने कहा, हम संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा साझा करते हैं और ये मानते हैं कि इससे सभी को समान और संतुलित तरीके से अधिक आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। भौतिक संपर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भारत की आर्थिक और राजनयिक पहलों का एक अभिन्न अंग है। इस कॉन्फ्रेंस में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI को लेकर कुछ बातें हुई हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक चीन के BRI का सवाल है, हम इससे खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद प्रियंका सोहोनी ने परियोजनाओं में खुलापन होने की बात भी कह डाली जिससे चीन के वहीं सांप सूंघ गए। उन्होंने आगे कहा, तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को एक प्रमुख परियोजना के रूप में शामिल संप्रभुता को प्रभावित करता है। कोई भी देश उस पहल का समर्थन नहीं कर सकता जिसमें उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हो। इसके अलावा कनेक्टिविटी जैसी पहल को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इससे जुड़े कई बड़े मुद्दे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि कनेक्टिविटी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। इनमें खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाले तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ उस बैठक में प्रियंका सोहोनी द्वारा की गई।
लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि शी जिनपिंग ने इस पर अपने क्या बयान दिए हैं। BRI चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2013 में सत्ता में आने पर शुरू की गई एक मल्टी बिलियन डॉलर की पहल है, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को बढ़ाना और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्र के एक नेटवर्क से जोड़ना है। वहीं 60 अरब डॉलर वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ये परियोजना BRI के तहत ही आती है। दोस्तों, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया आ चुकी है जो उसके चालों से रूबरू है, और इसी क्रम में अमेरिका के राजदूत ने भी चीन के खिलाफ बड़ा बयान दे डाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका भारत के साथ है और चीन को सीधा चुनौती दे रहा है। आइए आपको इस बारे में हम जानकारी देते हैं। अमेरिकी राजदूत ने चीन की बोलती बंद कर देने वाले बयान दे दिए। भारत के साथ खड़े होने का अमेरिका ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, चीन के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित निकोलस बर्न्स ने कहा कि चीन हिमालयी सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है और चीन सरकार के नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में जवाबदेह बनाना होगा। बर्न्स ने चीन में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने नाम की पुष्टि संबंधी सुनवाई। इस दौरान सीनेट की विदेश संबंधों से जुड़ी समिति के सदस्यों से बुधवार को कहा कि चीन को जहां चुनौती देने की आवश्यकता है, अमेरिका उसे वहां चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि जब भी चीन अमेरिकी मूल्यों एवं हितों के खिलाफ कदम उठाएगा, अमेरिका या उसके सहयोगियों की सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा या नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करेगा, अमेरिका उसके खिलाफ कदम उठाएगा। बर्न्स ने कहा, चीन हिमालयी सीमा के पास भारत के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस और अन्य के खिलाफ पूर्वी चीन सागर में जापान के खिलाफ आक्रामक रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया को डराने धमकाने की मुहिम चलाई है। उन्होंने आगे कहा, चीन द्वारा सिंजियांग में नरसंहार और तिब्बत में उत्पीड़न करना, हांगकांग की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का गला घोटना और ताइवान को धमकाना अन्यायपूर्ण है और इसे रोकना चाहिए। बर्न्स ने कहा कि ताइवान के खिलाफ बीजिंग की विशेष रूप से हालिया कार्रवाई आपत्तिजनक और अमेरिका को अपनी एक चीन नीति का पालन करना जारी रखने का अधिकार है। दोस्तों, उन्होंने आगे इस पर यह कहा कि हमारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति एवं स्थिरता को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाई का विरोध करना भी उचित है। बर्न्स ने कहा कि अमेरिका नौकरियों एवं अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे संबंधी एवं उभरती प्रौद्योगिकियों समेत उन क्षेत्रों में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करेगा जहां ऐसा करने की जरूरत है, और वह जलवायु परिवर्तन, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य और निरस्त्रीकरण समेत ऐसे मामलों में चीन के साथ सहयोग करेगा जो उसके हित में है। तो देखा दोस्तों आपने, चीन के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो चुका है, उसे खुली चुनौती दे रहा है। जब भी कभी चीन अब भारत की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो भारत के साथ अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का साथ होगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के अहित के बारे में ही सोचता रहता है, और इसका मुख्य कारण है वहां का शासन और वहां का शासक तानाशाह किम जोंग। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, कब तक तानाशाही किसी की चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में उत्तर कोरिया को ऐसा झटका लगने वाला है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। लगने वाला है अब तक का सबसे बड़ा झटका। UN में प्रतिबंध लगाने को उठने लगे नारे। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा की और कहा कि प्योंगयांग की तकनीकी प्रगति उसके परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों और उसकी आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता रेखांकित करती है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया से उसके उकसावों को रोकने की अपील की है जो सुरक्षा परिषद प्रतिबंध प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग को बिना किसी पूर्व शर्त कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। देशों से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के पूर्ण क्रियान्वयन की अपील भी की है ताकि हम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK की कोष प्रौद्योगिकी तक पहुंच रोक पाए, जिसकी उसे व्यापक विनाश के लिए गैरकानूनी हथियार बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए जरूरत है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों पर बुलाई गई आपात बैठक से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के अधिकारियों को वार्ता का प्रस्ताव दिया है।
सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ के 3 सदस्य आयरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एक अलग बयान में कहा कि पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की खबरें DPRK के हालिया उकसावे का ही हिस्सा है, जिसमें कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के परीक्षण शामिल हैं और जिसमें से वह एक के एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर होने का दावा करता है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण DPRK के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रम की निरंतर वृद्धि को रेखांकित करता है, जो उसकी समुद्र आधारित परमाणु क्षमताओं को हासिल करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। आयरलैंड, फ्रांस और एस्टोनिया ने भी उत्तर कोरिया से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वार्ता के प्रस्ताव पर सकारात्मकता के साथ जवाब देने की अपील की और कहा कोरियाई प्रायद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यीय निकाय सुरक्षा परिषद ने सहायक महासचिव मोहम्मद खालिद खियारी के नेतृत्व में उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों पर एक बैठक की, लेकिन कोई बयान नहीं जारी किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। धन्यवाद।